कितने सिंपल और कितने लाजवाब देख पा रहे आप लोग। आज मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल बेंच आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग ऐसे बनाकर रोटी, पराठा, चपाती और राइस का साथ इसे एंजॉय कर सकते। आइए आज हम सिंपल रेसिपी बेंच आलू की बनाना शुरू करते। हाय एवरीवन, नमस्कार। मम्मीज किचन में आप लोग बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बीन्स ली और मैंने दो आलू इसका छिलका हटाकर ऐसे लंबे लंबे साइज में काट ली। देखिए इसे इतना मोटा रखना चाहिए और फिर हम बीन्स भी बड़े बड़े पीसेस में काट कर लेंगे। इसे आप बनाएंगे तो थोड़े अच्छा और टेस्टी लगता है। फिर मैंने आलू को काट कर धो ली और बीन्स पहले धोकर काट ली थी। आइए हम इसे बनाना शुरू करते। फिर हमें एक पैन गरम कर लेंगे। मैंने इधर दो जो सूखी मिर्ची रेड वाली, इसे हम थोड़े से फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे। देखिए इसे थोड़े हमें हल्का फ्राई कर लेंगे। फिर हमें छोटा टीस्पून में छोटे स्पून से इसे हम हाफ टी स्पून जीरा डाल ले। जीरा का फ्लेवर अच्छा आता है। मैंने जो प्रोसेस से बताती हूँ आप लोग ऐसे बनाएंगे तो बच्चे लोग को बहुत पसंद आएगी और बड़े भी खुशी से खा लेंगे। फिर देखिए हम निकाल लेंगे और वही पैन में हमें 2 से 3 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डालकर इसे हम थोड़े गर्म कर लेंगे। अभी हमें स्पून से, छोटा स्पून से हमें हाफ टी स्पून जो राई मस्टर्ड डाल देंगे सीड्स। फिर हमें 2 से 3 लहसुन कर लिया, इसे हम बारीक बारीक काट कर ली थी लो फ्लेम पे। इसे हम थोड़े गोल्डन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन का फ्लेवर अच्छा आता है। आप लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप कर सकते। देखिए लहसुन हमारे थोड़े गोल्डन फ्राई हो चुकी। अभी हमें आधा प्याज ऐसे पतले पतले में लंबा साइज में काट कर लेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। आप चाहे तो छोटे छोटे भी काट कर ले सकते। ऐसे बीन्स सारे लंबा काटी और आलू भी, इसलिए हम प्याज भी ऐसे लंबाई में काट कर इसे हम थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। अभी हमें अच्छा स्वाद के लिए और फ्लेवर के लिए हमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, क्योंकि ना हमें इसमें आलू डाले। और फिर हमें जो आलू पहले इसमें डालकर 2 सेकेंड सारे मसाला का साथ इसे हम लो फ्लेम पे इसे हम फ्राई कर लेंगे। अभी कोई हल्दी नमक नहीं डालेंगे। 2 सेकेंड इसे हम कवर कर लेंगे। देखिए 2 सेकेंड का बाद वाह शानदार खुशबू आ रही है। फिर हमें जो बीन्स रखे थे उसे हम डालकर अच्छे से आलू का साथ इसे हम मिलाएंगे। अभी हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर इसे हम 2 सेकंड कवर करते हुए पकाएंगे। फिर कवर हटाकर हमें अच्छे से मिला लेंगे। अभी फिर हमें मीडियम आंच पे इसे 2 मिनट के लिए इसे हम थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए आलू और बीन्स। फिर हमें 2 चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल देंगे। आलू हमारा 50% तक अभी कुक हो चुकी, क्योंकि ना हम पहले ऑयल में डाले थे, इसलिए 50% तक आलू हमारा फ्राई हो चुकी। फिर हमें इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे हम कवर कर लेंगे। देखिए बीन्स हमारे भी सॉफ्ट हो चुकी, इसे हम अच्छे से मिल लेंगे। अभी इसे हम कवर नहीं करेंगे। देखिए आलू 85% कुक हो चुके। अभी हमें जो सूखी मिर्ची और जीरा फ्राई कर रखे थे इसे हम दरदरा कूट लेंगे और साइड में इसे रख कर जब तक हमारा बीन्स आलू खुले में लो फ्लेम पे फ्राई हो जाए तब तक के लिए हम 2-4 उसका साथ एंजॉय करने वाले
रुमाली रोटी हम बना लेंगे। देखिए मैंने चार छोटे छोटे रोटियाँ पहले बेल ली, फिर उस एक का पर एक रखते हुए हम थोड़ी थोड़ी ऑयल हाथ में ऐसे लगाकर चार रोटी एक साथ हमें बेल लेंगे। देखिए मैं जो प्रोसेस में आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग ऐसे बनाए तो आपका जो रुमाली रोटी झटपट दो चार बनकर रेडी हो जाएगी। फिर देखिए हमें चार रोटी एक ही साथ बेल ली, फिर हमें गैस का ऊपर एक तवा गरम कर लेंगे, थोड़ी सी ऑयल लगाकर फिर हमें रोटी डाल देंगे और इसे उल्टा पलटा करते हुए इसे हम सेक लेंगे। ऐसे प्रोसेस से बनाएंगे तो आपका जो रोटी थोड़ी पतला बनेगी और सॉफ्ट भी बनेगी, और जिसे को खाने दोगी वो खुशी खुशी से बेंच आलू भाजी का साथ आराम से खा लेंगे। और देखिए अभी हमें ऐसे पलटी करते हुए सेक लेंगे और थोड़ी थोड़ी ऑयल डाल लेंगे। देख पा रहे आप लोग, एक का बाद एक हमारा रोटी, एक एक लेयर एक एक रोटी जैसे निकलता है, फिर हमें इसे पलटी करते हुए एक एक निकाल लेंगे। जो रोटी हमारा पहले हो जाता है इसे हम निकाल लेंगे, दूसरा हम थोड़ी सेक लेंगे। ऐसे हम चार रोटी सीखते हुए हमें निकाल लेंगे एक एक करते हुए। कितना इजी प्रोसेस है, मैंने आप लोगों को ऐसे ट्रिक बताती हूँ, आप लोग ऐसे बनाकर एंजॉय कर सकते। फिर हमें चार रोटी से हम सेक ली, तब तक देखिए हमारा जो बीन्स आलू अच्छा से फ्राई हो चुके, इतना शानदार कलर में हमारा फ्राई हो चुके। फिर हमें इसे अच्छा से मिला लेंगे और जो सूखी मिर्ची और जीरा का हम दरदरा पाउडर बनाए थे इसे हम डालकर अच्छा से मिलाएंगे, और जीरा और जो मिर्ची का फ्लेवर शानदार खुशबू आ रहे और भाजी बहुत शानदार और यम्मी डिलीशियस बनता है। देख पा रहे आप लोग, ऐसे बनाकर आप लोग रोटी पराठा राइस किसी के साथ भी ऐसे एंजॉय कर सकते, और सभी को ये बहुत पसंद आने वाले। आप लोग घर पे ऐसे सिंपल सा रेसिपी बनाकर खाए, ये सिंपल सा रेसिपी हुआ तो क्या हुआ, सबको पसंद आएगी। आप लोग ऐसे बनाकर हेल्दी खाए और स्वस्थ रहे मस्त रहे। फिर देखिए हमें तो रुमाली रोटी का साथ ऐसे एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी एंजॉय करें। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देख पा रहे कितने यम्मी और डिलीशियस हमारा जो बीन्स आलू। आप लोगों को रेसिपी कैसे लगी, अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।